नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और आज हमारे साथ कुचामन सिटी जो नगर पालिका है वहाँ से हमारे साथ पूर्व पार्षद और नेता प्रतिपक्ष हाजी फजलुर रहमान कुरैशी हमारे साथ हैं। तो इनके बारे में बता देते हैं, इनका जो कार्यकाल जो पीछे जो कार्यकाल रहा उसके अंदर भी इनकी अहम भूमिका इन्होंने निभाई जो प्रतिपक्ष नेता के रूप में, और यहाँ पे नगर पालिका के अंदर हमेशा लगातार यहाँ से बीजेपी यहाँ से वोट बना रही है। और अब की बार जो पंचायती राज चुनाव हुआ वहाँ पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दोनों जो प्रधान बने भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, और अभी अब की बार जो महेंद्र चौधरी कांग्रेस से यहाँ से एमएलए भी है और मुख्य संचेतक भी है राजस्थान सरकार से, तो अब की बार वो अपनी साख कैसे बजाते हैं आज इनसे बात करेंगे। 36 नंबर वार्ड से इनको टिकट दिया है पार्षद के लिए। तो सर, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी, आपका स्वागत है मेरे वार्ड में। तो जैसे आपने पिछली बार भी आप पार्षद रहे, तो आप जब पार्षद बने तो आपके सामने कौन सी बड़ी समस्या थी और वार्ड के अंदर ऐसी कौन सी प्रमुख समस्या थी जिसको लेकर आपने चुनाव लड़ा और उसका समाधान कराया आप जी? मेरे वार्ड में पिछले दफ़ा जब मैं 5 साल पहले चुनाव लड़ा था उस वक्त मेन जो आधारभूत सुविधाएं होती है लोगों की आवश्यकताएं, सड़क, पानी, बिजली, इन ये तीन ही होती हैं। और मेरा वार्ड आप चाहे रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, कुचामन में सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड था। यानी कि एक तो दूर दराज का इलाका आ गया, दूसरा क्या है कि 38 साल से जो बीजेपी का कुशासन है वो हमेशा से ही इस तरीके से रहा है कि दूर दराज के इलाकों में छोड़कर केवल परकोटे में जो वार्ड हैं उनको सिटी के बीच में जो उन पर ही ज़्यादा दारोमदार रहा उनका विकास का। और तीसरी बात जो है कि जो बजट आता था, मेरा कार्यकाल जब स्टार्ट हुआ मेरी पहली मीटिंग में मेरी उपलब्धि यही रही कि जो बजट आता था वो चेयरमैन की अभिशंसा पे जो वो चाहता था वो होता था, लेकिन हमने बाकायदा विपक्ष ने, मजबूत विपक्ष ने हंगामा करके ये पारित कराया गया कि जो 35 वार्ड है बजट का बराबर बराबर हिस्सा होगा, तब जाके ये विकास की बाहर चली। और बाहरी जो वार्ड हैं चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों उनमें सब में बाकायदा बजट का विकेंद्रीकरण हुआ, बजट का पूरा बंटवारा हुआ इस वजह से। और मेन चीज़ ये है कि मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या थी गंदे पानी की निकासी। उसमें करीब 2-2.5 साल पहले 18 लाख की कीमत से ये सीवरेज लाइन मैंने वार्ड में लगाई और आज वो पूरा मोहल्ला उसके लिए एक उपलब्धि मान रहा है कि हमारे ये ज़िंदगी भर का जो एक कहते हैं ना कि एक पेबंद लगा हुआ था वार्ड में कि आना जाना, गर्भवती महिलाओं का निकलना, बूढ़े बुजुर्गों का बच के निकलना, गिर जाना, वो सब खत्म हुआ है। तो जैसे आप प्रतिपक्ष नेता भी रहे तो भ्रष्टाचार पे कहाँ तक अंकुश लगाने में आपकी भूमिका रही और प्रतिपक्ष की भूमिका आपने कैसे निभाई? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की उपलब्धि मैं इसी चीज़ से कहूँगा कि जैसा कि सर्वविदित है कि कुचामन नगर पालिका का जो कार्यकाल रहा 5 साल का वो हंगामेदार इसी वजह से रहा कि हमने भ्रष्टाचार को करीब करीब नहीं चलने दिया और हमने हर चीज़ में जो भी चीज़ थी जैसे कि अंडर द टेबल जो काम होते थे वो नहीं हुए और बाकायदा ऑन द डेस्क और सही तरीके से मजबूत विपक्ष की भागीदारी और उसमें इसी की ये परिचायक रही कि हंगामा होता था क्योंकि वहाँ मारवाड़ी में कहावत है कि चोर को चाड़ना नहीं सुहाता है, तो इसी वजह से हंगामा होता था। और बाकायदा इस चीज़ का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा विपक्ष जो था वो मजबूत था। तो अब की बार जैसे आपके यहाँ से कुचामन से सदर है उनके परिवार से परिवार को टिकट नहीं देकर दोबारा पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, आपको 36 नंबर वार्ड से जो यहाँ से टिकट दिया है, तो क्या क्या लगता है कि अब की बार यहाँ से कांग्रेस अपने जो बोर्ड बना सकेगी पूरे जो आपने मतलब लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बना रही है, क्या लगता है अब की बार कांग्रेस का यहाँ से बोर्ड बनेगा? देखिए, सदर साहब जो हैं जैसे कि आपने कहा कि टिकट काट के उनको दिए, जब पहली बात तो ये कि टिकट मैं यहाँ का सिटिंग पार्षद हूँ और दूसरा मेरा जो नेता है महेंद्र जी चौधरी साहब उप सचेतक महोदय, उनको कार्यकर्ता की पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा फर्क है, उनको वो बोलते कम हैं काम में विश्वास ज़्यादा रखते हैं और उनको वही बंदे चाहिए जो काम में विश्वास रखते हों, जो काम करके दिखाते हों। कुचामन सिटी आप नवा तहसील के 289 बूथ में से आप देख लीजिए, मेरा जो 98 नंबर का बूथ है वो 98 नंबर का बूथ कांग्रेस के पक्ष में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज देता आ रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कहता, मेरी वजह से मेरे जितने भी भाई हैं कार्यकर्ता हैं मेरे जो हम कदम हैं
हमसाया हैं उनकी अथक प्रयासों से ये काम निपटा है। और रही बात सदर साहब की, तो उनके भाई जो थे अफलातून जी, वो दो बार रहे हैं यहाँ पर, 10 साल उनका कार्यकाल रहा, मेरा 5 साल का रहा है। तो आप जानते हैं जनता हमेशा आधारभूत सुविधाएं जो देता है उसके साथ रहती है। मैं आपको स्वागत करता हूं और आपको न्योता देता हूं कि आप मेरे वार्ड के वासियों से पूछिए कि मेरा 5 साल का कार्यकाल और मेरे महेंद्र जी चौधरी साहब का पिछला कार्यकाल और अभी का 2 साल का कार्यकाल कितना सही है या गलत। तो जैसे अभी आप चुनाव लड़ रहे हो, तो कौन सा एजेंडे के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हो, कौन सा एजेंडा लेकर चल रहे हो? एजेंडा मेरा यही है कि जिस तरीके से मेरे वार्ड में, मेरे कुचामन के जितने भी कांग्रेसी वार्ड हैं उनमें जो विकास की बाहर हमने 5 साल चलाई है, उस 5 साल की बाहर को लगातार रखने की, 5 साल रखो विकास की बयार लगातार, ये मेरा एजेंडा है। तो हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो मतदाता है, 36 नंबर वार्ड के जो वोटर है, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से 28 तारीख को जो चुनाव होना है, तो उसको लेकर आप क्या अपील करना चाहोगे? मेरे 36 नंबर के वार्ड की नहीं, पूरे कुचामन के वार्ड के लोगों से मेरी यही अपील है वोटर से कि ये वोट, ये चुनाव है एक दिन के हैं, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चुनाव की जो रणनीतियाँ हैं वो पीढ़ियों तक चलती है। हमें शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना है और अपने वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करवाना है। बाकी अनर्गल अफवाहें भी आएंगी, उन अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति से ये जो लोकतंत्र का जो पर्व मनाना है इसको शांति से मनाना है। तो ये थे हमारे साथ 36 नंबर से जो कांग्रेस प्रत्याशी, इन्होंने बताया भी इनके जो कार्यकाल रहा 5 साल का, तो अब की बार जो ये चुनाव हो रहा है तो 28 तारीख को जो चुनाव होगा उसके अंदर 36 नंबर वार्ड की जनता को तय करना है कि उनका पार्षद कैसा हो। हमारा कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुदर बुलेटिन।